नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने केंद्रीय योजना राज्य मंत्री इंद्रजीत राव के साथ मुलाकात की। ऐसा कयास लाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने फंड की आवश्यकताओं को लेकर राज्य मंत्री इंद्रजीत राव से यह मुलाकात की थी। दिल्ली के योजना भवन में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ बैठक की और राज्य के विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद नाबाम तुकी ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार से अच्छा समर्थन मिलेगा। I met him to apprise our problems for the coming distinct problems in the finance and planning and also the requesting for financial, more financial support for the state in coming years. That I have mentioned to the Honorable Minister and he said that he will look into the matter. That we are going to get support from the Government of India and then other issues relating to current year the financial budget. He said that the Planning Commission to be constituted. Not yet constituted, so after constitution of planning commission, then it matter will be decided. Arunachal Chief Minister Nabam Tuki's meet with MOS for planning Rao Inderjeet Singh has definitely raised hopes. And as soon as the planning commission is reconstituted, there are hopes that Tuki's vision of development for Arunachal will be fulfilled in a greater way this time around. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मंजूरी के बाद कीपा काहा को बनाया गया अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का चीफ ऑर्गेनाइजर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य आयोजक महेंद्र जोशी ने एपीसीसी अध्यक्ष पादी रिचो को ये सूचना दी थी कि कीपा काहा की नई भूमिका की पुष्टि हो चुकी है और अब से वो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए कीपा काहा ने दी गई जिम्मेदारी के लिए सबका धन्यवाद किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हाईकमान ने हम मेरा ऊपर में भरोसा किया। हम पहले से हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रांग है, फिर भी हम और मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होते रहता है, कभी हम अपोजिशन बैच में बैठा है, कभी हम रूलिंग बैच में बैठा है, इसी का नाम तो राजनीति है। भारत का पहला सूरत अरुणाचल में प्रवेश करता है, उस हिसाब से हम अरुणाचल को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके बाद हमारे नाइबोरिंग स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनको भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे और सारा देश में हमारे कार्यकर्ता, हमारा हाई कमांड जहाँ जहाँ पे हमको भेजेंगे वहाँ पर हम काम करेंगे। यू हर्ड इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ दैट द कांग्रेस पार्टी इज इनडीड द कोर ऑफ एवरीथिंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड ही होप्स टू स्ट्रेंथन इट फर्दर विद हिज न्यू पोजीशन। विद कैमरा पर्सन दीपक, दिस इज प्रशांति रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनरल मैनेजर रंजीत सिंह विरदी ने निर्भय शर्मा से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश में रेलवे सेवा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक ईटानगर के राजभवन में हुई थी। बैठक में निर्भय शर्मा ने लोगों के लाभ के लिए मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के एक साथ काम करने पर जोर दिया और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के लिए रेलवे लिंक स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की पहल की सराहना भी की। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और ऊपरी असम के लोगों के लाभ के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बोगी बिल ब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश भी दिए। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में लोअर सुबानसिरी जिले के जिला सैनिक बोर्ड ने की बैठक। पूर्व सैनिकों के कुछ संकटों पर चर्चा के लिए यह आयोजित की गई थी बैठक। जीरो के पूर्व सैनिकों की कुछ मांगे और शिकायतें हैं जिनको लेकर जिला सैनिक बोर्ड को इस बैठक का आयोजन करना पड़ा। दरअसल पूर्व सैनिकों की मांग है कि उन्हें अल्प पेंशन दी जाए। साथ ही उनकी ये शिकायत है कि कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित ऑफिशियल लेटर उन्हें अभी तक नहीं दिए गए हैं। ये बैठक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नीमा डरेमा ने आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के बारे में बताया और पूर्व सैनिकों से ये अनुरोध किया कि वो अपने परिजनों को भी इस फंड के बारे में ज़रूर बता दें। तो इस मीटिंग में हम लोग जितना भी एक्साइज में यहाँ का है उनका प्रॉब्लम्स, उनका ग्रीवांसेस हमारे पास सुनाते हैं और उनका ग्रीवांसेस को हमारा काम है कि उनका ग्रीवांसेस को
जो स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना, तो बहुत सारा ग्रीवांसेस था जो उन्होंने हमें बताया है एक्स सर्विस मैन लोगों ने। तो अभी हमारा काम वही है कि उनका सभी ग्रीवांसेस को हमारे स्टेट अथॉरिटी यानी कि मतलब हमारे राज्य सैनिक बोर्ड को कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ का लेवल से ही कुछ हो पाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आ रहा है चाइनीज मोबाइल का सिग्नल, भारत सरकार इस पर अविलंब ध्यान दे। अरुणाचल प्रदेश के लोग इस बात से बेहद ही निराश हैं कि मोबाइल इंटरनेट के द्वारा जब गूगल में वेदर रिपोर्ट सर्च की जाती है तो सर्च में ये लिखा हुआ आता है कि कंट्रोल बाय इंडिया और क्लेम्ड बाय चीन। पिछले कई महीनों से चीन के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को चीन अपने नक्शे में बार बार दिखा रहा है। पिछले महीने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां पर ये मुद्दा उनके सामने गंभीरता से रखा गया था, जिसे गृह राज्य मंत्री ने स्वीकारा था कि चीन का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्य के कई हिस्सों में दिखता है। राजनीति विज्ञान की छात्र रिजूम पुनिंग ने यह बताया कि जब वो अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जाती हैं, तो चाइनीज मोबाइल का नेटवर्क ज्यादा दिखता है। हाँ, हमारे मोबाइल में कभी कभी चाइनीज नेटवर्क पकड़ते हैं, दिखाई देते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज पर हाँ, नेटवर्क तो जरूर शो करते हैं। एंड समटाइम्स हम जब अरुणाचल के वेदर रिपोर्ट देखते हैं गूगल में, उसमें ऐसे लिखा होता है कि कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना, विच इज़ मेकिंग अस वेरी कन्फ्यूज। एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अप सम इनिशिएटिव फॉर दिस। आई थिंक दिस इज़ अ रियली सीरियस मैटर फॉर अस। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन में इग्नू ने आयोजित की बीएड और एमएड के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एक हफ्ते की वर्कशॉप। 17 जुलाई से नाहरलगन के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यालय में बीएड और एमएड के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एक हफ्ते की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में शिक्षक छात्रों को पढ़ाने की अच्छी तकनीक सिखाएंगे, साथ ही छात्रों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति भी प्रेरित किया जाएगा। इस वर्कशॉप को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि छात्र भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर सकें। With the very idea of making teachers of Arunachal Pradesh well equipped in imparting good education to the students of Arunachal Pradesh, IGNU has come up with a very novel idea of giving workshops to the Master in Education students here at Nahalagan at the regional office of Arunachal Pradesh. The week-long workshop has started today and will last till 26 July. With camera person Hitesh Morang, this is Karpushis reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दिल्ली का बजट पेश किया, दिल्ली वालों को दिया बिजली सब्सिडी का तोहफा। अरुण जेटली ने लोकसभा में दिल्ली का बजट पेश करते हुए कम बिजली खपत करने वालों को राहत देते हुए उनके बिजली बिलों पर सब्सिडी की घोषणा की है। जेटली ने ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर ₹1.20 और 201 से 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी। राजधानी में पानी की समस्या के निदान के लिए 2 नए ट्रीटमेंट प्लान बनेंगे। इनके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 6 हॉस्टल बनाए जाने की बात भी कही गई है, साथ ही 1380 नई लो फ्लोर बसें भी चलाई जाएंगी। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में कल एक 22 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने से इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत भी हो गई है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित 22 मंजिला एक व्यवसायिक इमारत में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे भीषण आग लग गई, जिसे शाम करीब 4 बजे तक काबू किया जा सका था। इस बीच राहत कार्य में लगे एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। आग में दमकल कर्मियों सहित करीब 30 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकाल लिया गया है। जिस इमारत में आग लगी थी उसमें बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का भी कार्यालय है। आग की सूचना के बाद ऋतिक मौके पर भी पहुंचे थे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां लगाई गई थी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिथुड़ी का दावा, कहा आलाकमान कहे तो 24 घंटे में बना लेंगे दिल्ली में सरकार। राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने की अटकलों के बीच बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिथुड़ी ने दावा किया है कि पार्टी आलाकमान इजाजत दे तो वो 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं। बिथुड़ी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के साथ नाराज विधायक उनके संपर्क में है और उन्होंने कहा कि नंबर कोई समस्या नहीं है, लेकिन फैसला आलाकमान को करना है। बिहार वासियों को फिलहाल विशेष राज्य के दर्जा के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बिहार को नहीं मिल सकेगा अभी विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य देने के मुद्दे पर
लोकसभा चुनाव में मोदी ने बिहार वासियों से वोट मांगा था। योजना सांख्यिकी और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मंजूर करने के लिए एक और अनुरोध पत्र दिया है। इसके पहले उन्होंने बताया कि अंतर मंत्रालय समूह की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला राष्ट्रीय विकास परिषद के मानकों पर आधारित नहीं है, जिस वजह से फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल में नहीं खेल पाएगी साइना नेहवाल, चोट के कारण नेहवाल ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय उम्मीदों को करारा झटका लगा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 कुछ ही दिनों दूर है और इससे ठीक पहले भारतीय उम्मीदों को एक करारा झटका लगा है। बैडमिंटन में 5 पदक जीतने की उम्मीदें अब पूरी होती नजर नहीं आ रही है। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ग्लासगो में 23 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाले इन खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज की खिताबी जीत के दौरान साइना के पांव में छालों से दिक्कत पैदा हो गई थी। उम्मीद थी कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया और साइना अब ग्लासगो नहीं जा सकेंगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।